सिमरिया सीआरपीएफ 190 बटालियन के दो जवानों के बीच आपसी विवाद में गोलीबारी करने की चौंका देने वाली खबर सामने आई है। दोनों जवानों के बीच शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दूसरे पर ही बंदूक की ट्रिगर दबा दी। इस गोलीबारी में दोनों जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना आज दोपहर की है। यह घटना कोविड-19 आइसोलेशन भवन में हुई, जहां आपसी विवाद में 190 बटालियन के जवान ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से दोनों की मौत हो गई। सीआरपीएफ जवान की पहचान काली सिंह गुज्जर राजस्थान और रवीन सिंह हरियाणा के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी पहुंचकर मामले की छानबीन पर जुटे हुए हैं। मिली यहाँ पे जो सीआरपीएफ 190 बटालियन है, उसका कोविड क्वारंटाइन सेंटर जो आईटीआई सिमरिया के बिल्डिंग में संचालित हो रहा था, उसमें करीब 25 लोग सीआरपी के वहाँ मौजूद थे। आज दिन की घटना बताई जा रही है कि एक जवान ने पहले दूसरे जवान पर गोली चलाई, फिर अपने आप अपने ऊपर गोली चलाई। उसमें से दोनों को तुरंत तो यहाँ पे रेफरल अस्पताल सिमरिया लाए गए। उसमें से एक जवान तो ब्रॉड डेड थे और दूसरे को रिवाइव करने की कोशिश की गई, लेकिन उनको भी डॉक्टर्स नहीं बचा पाए। प्राइमर फेस यही लग रहा है कि इसमें से एक जवान ने दूसरे पे गोली चलाई और फिर खुद पे गोली चलाई है। इनके बारे में जब हमने पता करने की कोशिश की है तो अभी जो प्रथम दृष्टया बात सामने आ रही है, इनको कुछ फैमिली इश्यूज थे और बाकी जो डिटेल्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे। कहाँ के रहने वाले थे? इसमें से एक जवान हरियाणा के रहने वाले थे और एक राजस्थान के रहने वाले थे। किसने पहले गोली चलाई? नाम तो अभी उजागर करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन एक बार इन्वेस्टिगेशन हो जाए हम दोनों का डिटेल्स के बारे में। दोनों एक ही अलग अलग फैमिली गोली मार रहे? दोनों अलग अलग फैमिली के थे, दोनों सीआरपी 190 बटालियन। गोली मारने का कारण क्या हो सकता है? कारण जो प्रथम दृष्टया सामने आ रही है कि थोड़े इमोशनली ट्रबल्ड थे एक जवान, उनको उनके पारिवारिक समस्याएं थी। जो सीआरपी के वरीय पदाधिकारी थे वो भी उनका विशेष ध्यान रखते थे और उनके पारिवारिक समस्याओं का निदान करने की कोशिश की जाती थी। हाल फिलहाल में ही वो छुट्टी से वापस आए थे और अभी प्राइम ऑफिसर यही लग रहा है कि कोई पारिवारिक समस्या थी जो उनके मन में खटक रही थी और ये घटना शायद उसी का अंजाम है। आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।